नमस्कार। जेडीयू से अलग होने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने दिल खोलकर अपने नीतीश चाचा की तारीफ की है। जी हां, जेडीयू के साथ आरजेडी का गठबंधन टूटने और सरकार से बाहर होने के बाद संभवतः पहली बार बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। तेजस्वी यादव के इस नीतीश कुमार के तारीफ वाले बयान को लेकर तरह तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए बिहार सरकार ने एहतियातन जो कदम उठाए हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री महोदय की बैठक में हुए फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने राजगीर में होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के सम्मेलन को भी रद्द कर दिया है। राजनीति के दांव पेच में माहिर हो चुके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ तो कर दी, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों पर निशाना भी साध दिया है, या यूं कह सकते हैं कि तेजस्वी ने एक तीर से दो निशाने मार दिए हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम मुख्य विपक्षी दल होकर भी मुख्यमंत्री के आदेशों और निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीएम की ओर से किसी भी तरह के कार्यक्रम, सम्मेलन या बैठक नहीं करने देने के निर्देश देने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना से बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक की, और डॉक्टर प्रेम कुमार ने तो वाटर पार्क के उद्घाटन समारोह में ही हिस्सा ले लिया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके इन दोनों कैबिनेट मंत्रियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। कोरोना वायरस पर बिहार सरकार के इंतजामों की सराहना करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर काफी गंभीरता दिखा रही है और हम सभी लोग इस मुद्दे पर बिहार की सरकार के साथ हैं, और हम राजगीर के सम्मेलन के साथ साथ अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा भी रद्द कर चुके हैं। इसके लिए जो भी सावधानी बरतनी पड़ेगी हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। तेजस्वी यादव की इस तरह से सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ सुनकर भाजपा के कान खड़े हो चुके हैं। तेजस्वी ने भी जिस अंदाज से कोरोना वायरस के इंतजामों के बहाने एक सधे हुए राजनेता की तरह गठबंधन के एक दल की तारीफ और दूसरे दल के मंत्रियों पर निशाना साधा है, ये कई प्रकार के सवालों को जन्म देता है। राजनीति में हर कदम पर एक सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के साथ ही एक जवाब भी छिपा होता है जिसके बड़े मायने होते हैं। धन्यवाद।